हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी. मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जिसका नाम है नवजीवन एक्सपेक्टिंग न्यू लाइफ. दोस्तों, ये एक ऐसा शो है जहां हम डिस्कस करते हैं इनफर्टिलिटी और उससे रिलेटेड तमाम कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स के बारे में. अगर आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो ये शो खास आपके लिए है. इनफर्टिलिटी क्या है, क्यों होती है, क्या है इसका इलाज, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद है देश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नंदिता पालशेतकर जी का. डॉक्टर नंदिता, केवल टीवी स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. वेल दोस्तों, ये सीरीज़ खास है क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में. आई एम श्योर हमारे देश में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्हें बांझ होने का अभिशाप झेलना पड़ता है, पर सच तो ये है कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है. अगर आप जानना चाहते हैं कैसे, तो यही आपका मौका है. हमारा शो देखते रहिए. इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं. चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड. डॉक्टर नंदिता, अक्सर कहा जाता है कि अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है तो ये एक लड़की का प्रॉब्लम है, लड़की की वजह से थोड़ी कमी है. आई एम श्योर ये सच नहीं है. इसलिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इनफर्टिलिटी क्या होती है और क्या मेल और फीमेल दोनों काउंटर पार्ट्स इसके लिए इक्वली लाइबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं? ये बहुत ज़रूरी है सबको बताना कि जब बच्चा पैदा होता है, वो जो अंडा है वो लड़की से आता है और जो स्पर्म्स है वो लड़के से आते हैं. तो दोनों का जब मिलन होता है शरीर के अंदर, तब एक सुंदर सा बच्चा पैदा होता है. जी. तो स्पर्म्स भी नॉर्मल होने चाहिए और एग्स भी नॉर्मल होने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स थैली. जी. तो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं. और अगर एक साल भर हम कोशिश करें बच्चा होने के लिए और उसमें ना सफल रहे, तो डेफिनेटली आई टेल द कपल्स कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जांच करनी चाहिए. पर इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण होते हैं? इनफर्टिलिटी के कारण अनेक होते हैं, बट जनरली मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ कि लड़कियों के कारण और लड़कों के कारण. जी. लड़कियों में अगर देखा तो अंडा है. अंडा अगर तैयार नहीं हुआ, ख़त्म हुआ, ये सब चीज़ें हैं जो इनफर्टिलिटी करते हैं. हार्मोनल इम्बैलेंस ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है. यू नो, मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ तो वहाँ पे तो हर 3 लड़कियों में से 2 लड़कियों में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. और उसकी वजह है PCOS या PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी. यस. तो उसके वजह से स्टीबीज या अंडा जो है वो तैयार नहीं होता है. जी. फिर दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, थायराइड हार्मोन के प्रॉब्लम्स. अगर वो ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो भी ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है. और तीसरी चीज़ है अर्ली मेनोपॉज. जी. अभी वो जो यू नो यूट्रस होता है, उसके ट्यूब्स होते हैं और ओवरीज होते हैं, अगर इसमें कहीं पे भी ब्लॉक आ गया, मतलब ट्यूब ब्लॉक हो गई. जी. तो वो किससे होती है? इन्फेक्शन के वजह से या एंडोमेट्रियोसिस के वजह से. जी. तो इन्फेक्शंस जो है, टीबी का जो इन्फेक्शन है, आपको तो मालूम है हमारे देश में बहुत ही कॉमन है. और ये जो टीबी है ये ट्यूब्स को पहले जाके अटैक करता है और ट्यूब्स डैमेज कर देता है. तो ट्यूबल ब्लॉक भी एक कारण होता है इनफर्टिलिटी का. डॉक्टर नंदिता, ये सारे तो रीजंस हैं एक फीमेल काउंटर पार्ट के. अब बात की जाए एक पति की, तो उनके क्या कारण हो सकते हैं? स्पर्म काउंट अगर कम हो गया, वो काउंट कम हो सकता है यू नो लाइफस्टाइल रिलेटेड, स्ट्रेस, स्मोकिंग, फिर सोना स्टीम से भी काउंट कम हो सकता है. इफ़ यू टेक इट अ लॉट, देन टाइट अंडरवेयर, ये सब चीज़ें हम बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू हैव अ चाइल्ड. दूसरी चीज़ है जो स्पीड कम करने वाली चीज़ है, उसमें इन्फेक्शंस भी शामिल है. काफ़ी इन्फेक्शंस के वजह से, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के वजह से ये हो सकता है. और पुरुष में भी टीबी की प्रॉब्लम हो सकती है टेस्टीज में. तो ये सब प्रॉब्लम्स है मेल में जो हमें पता चलते हैं. और वैरिकोसील, सॉरी, ये कंडीशन ट्रीटेबल है इसलिए बताना चाहती हूँ. वैरिकोसील मतलब क्या, कि जो आदमी है उसमें जो टेस्टीज में ब्लड फ्लो बहुत ही बढ़ जाता है. तो एक्चुअली जाके उसको क्लिप करना पड़ता है वो ब्लड फ्लो कम करने के लिए. जी. सो दैट इज़ अनदर रीज़न व्हाई देयर इज़ मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी.
दोस्तों, अगर आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे डिटेल्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। यहाँ पे एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी मिस कैरेजेस के ऊपर। मोस्ट ऑफन देन नॉट काफ़ी लड़कियों से सुनने में आता है कि मिस कैरेज हो गया। आंकड़ों के हिसाब से एक साल में लाखों मिस कैरेजेस होते हैं, तो मिस कैरेजेस के क्या कारण होते हैं? You know, 10-15% pregnancies end up in miscarriages. 10-15%? 15%, yes. So when any person conceives naturally, 15% chance hai ki uska miscarriage hoga. Uske karan anek hai. Ek matlab genetics is very common. Secondly, koi structural defect ho uterus ke andar. Bacha theh nahi pata, kuch time baad. I've heard about this हो जाता है ओके फिर तीसरी बात है ऑटो इम्यूनिटी, मतलब शरीर ही रिजेक्ट करता है। अगर आप देखो किसी को किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए जी. तो वो मैचिंग चाहिए जी, यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे तो बच्चा जो है वो हस्बैंड और वाइफ का मिलन होता है, मतलब वो जेनेटिक्स कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो इन अ वे द बॉडी इज प्रिपेयर्ड सो एज नॉट टू रिजेक्ट इट। पर डॉक्टर नंदिता, समय की थोड़ी कमी है, पर जाने के पहले आपसे एक मैसेज जानना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली इस सवाल का जवाब कि अगर किसी को कंसेक्यूटिव मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो कितने समय बाद टेस्ट कराना चाहिए, इसे सीरियसली लेना चाहिए? अंकिता, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा आपने। अगर हम रिसर्च ओरिएंटेड या किताब से आंसर ले ले तो 3 अबॉर्शन के बाद ही टेस्टिंग करना चालू करना चाहिए। ओके, बट किसी भी लड़की को 3 अबॉर्शंस होने पर होने तक कुछ नहीं करोगे, वो एक डिप्रेशन में चली जाती है। यू नो, हर एक पेशेंट आजकल तो एक अबॉर्शन होने पर ही टेंशन में आ जाते हैं और डॉक्टर के पास चले आते हैं, और फिर डॉक्टर आपको बोलेगा डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, वो चीज़ नहीं चलती है। तो कई पेशेंट्स एक अबॉर्शन के बाद टेस्टिंग हम करवाते हैं, लेकिन मैं मेरी प्रैक्टिस में क्या करती हूँ कि जो ट्रीटेबल कॉजेज़ है लाइक एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, जिन पे ट्रीटमेंट है वो कॉजेज़ पहले करवा लेती हूँ। ओके, यू नो, 3D अल्ट्रासाउंड तो यूट्रस के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पता चलते हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट है इसके लिए जी. तो ये टेस्ट हम करवा लेते हैं, नहीं तो 2 या 3, यू नो, एज के ऊपर। आई फील इफ अ यंगर गर्ल हैज़ 2 अबॉर्शंस, टेस्ट हर। ओल्डर पेशेंट में कैसे अंडे में ही डिफेक्ट चालू हो जाते हैं तो अबॉर्शन रेट्स बढ़ जाते हैं, बट यंगर गर्ल में 2 अबॉर्शंस पे यू मस्ट इन्वेस्टिगेट हर। ओल्डर पेशेंट्स या 2 और 3, बट उसका उल्टा भी हो सकता है कि बाबा टाइम नहीं है, वो यू नो एज बढ़ता जा रहा है। आई थिंक 2 अबॉर्शंस प्रैक्टिकली इज व्हाट आई फील। कि हमें सारी जानकारी रखनी चाहिए, we should keep our eyes open so that हमें पता हो कि हमारा next step क्या होना चाहिए। और इस show का मकसद, आपके साथ यहाँ बैठ के ये discussions करने का मकसद ही यही है कि हमारे viewers की आँखें खुल जाएं। Well, as usual, it was a pleasure talking to you। हमारे studio में आने के लिए, हमारे viewers से मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूँ आपसे इजाजत, लेकिन नवजीवन एक्सपेक्टिंग न्यू लाइफ के अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।